आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। श्री गजानन जी महाराज का 104वां अवतरण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम भी बालीपुर धाम में हो रहे हैं। सुनील लहरी, जो कि टीवी सीरियल में लक्ष्मण का रोल किया था, वे भी आ रहे हैं मनावर। श्री बालीपुर धाम में अवतार श्री गजानन जी महाराज ने भगवान स्वरूप इस धरती पर अवतरण लिया। इंटर कॉलेज बड़वानी से शिक्षा ग्रहण कर वे बालीपुर धाम आए और शमशान भूमि को अपनी तपस्या के बल पर पूजनीय क्षेत्र बनाया। गजानन जी महाराज बाबा को ईश्वर रूपी साक्षात संत बाबा जी को मानते थे और आज भी मानते हैं। उनके लाखों अनुयायी आज बन गए हैं। बड़वानी राजा के यहाँ पर अपने मधुरवाणी के माध्यम से माँ अम्बे जी की प्रार्थना दुर्गा सप्तशती पाठ प्रथम अध्याय से 13 अध्याय तक हुंकार भरकर सुनाते थे। बड़वानी राजा प्रसन्न हो जाते थे और खुशी में कुछ देते थे, लेकिन दक्षिणा में कुछ नहीं लेते थे। बाबा जी के 104वें अवतरण दिवस पर ब्राह्मणी और ब्राह्मणों द्वारा गायत्री मंत्र के तृतीय दिवस पर जाप किया गया। दूसरी तरफ हनुमान चालीसा पाठ एवं दुर्गा चालीसा का पाठ किया जा रहा है। प्रत्येक मातृशक्ति और पितृपक्ष द्वारा 11-11 पाठ किए जा रहे हैं। जन्मोत्सव में मेला जैसा लग रहा है। दिनांक 24 मार्च को रामानंद सागर द्वारा बनाई गई टीवी सीरियल में रामायण के पात्र सुनील लहरी, जो कि लक्ष्मण का रूप धारण किया था, वे भी आ रहे हैं। और श्री योगेश जी महाराज एमसी सुधाकर जी महाराज की अगुवाई में कार्यक्रम को अपने स्तर पर ब्राह्मणों से भी पाठ करवा रहे हैं। जन्मोत्सव कार्यक्रम में लगभग 5 लाख भक्तों के आने का लक्ष्य है। विभिन्न समितियों द्वारा अपने अपने कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। रामकथा के द्वितीय दिवस पर बनारस के चतुर्वेदी जी ने कहा, राम विवाह शुभ मुहूर्त में महर्षि वशिष्ठ जी ने निकाला था, इस फिर 14 वर्ष का वनवास हुआ था। उक्त जानकारी सदगुरु सेवा समिति के अरुण भार्गव, प्रदीप मंडलोई, बंटी मंडलोई, दुर्गा शंकर तारे, राजाराम पंडित, महेंद्र कुमार शर्मा, गोपी जोशी, कौशिक पंडित, रविंद्र शुक्ला, जगदीश पाटीदार, नवनीत पाटीदार ने दी। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट।